कोरोना की दूसरी लहर के खतरे के बीच केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने दिल्ली से बिलासपुर के लिए मदद भेजी है। अनुराग ठाकुर द्वारा दिल्ली से भेजे गए मेडिकल उपकरण व सहायता सामग्री बुधवार को स्थानीय परिधि गृह में आयोजित सादे कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन ने रिसीव की। इस मौके पर उपायुक्त व मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित सदर विधायक व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता भी उपस्थित रहे। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने बताया कि सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा भेजी गई सामग्री में 5000 थ्री प्लाई मास्क, 395 मास्क, 2000 ग्लव्स, 100 फेस शील्ड, 400 पीपीई किट, 150 ऑक्सीजन मास्क, 100 एनआरएम, 50 प्लस ऑक्सीमीटर व 100 ऑक्सीजन रेगुलेटर शामिल है। यह उपकरण जिला प्रशासन को सौंप दिए गए हैं। वहीं उपायुक्त रोहित जम्बाल ने बताया कि सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा भेजी गई मेडिकल सामग्री की इस समय काफी आवश्यकता थी। ऐसा नहीं है कि यहां कोई धन की कमी है, लेकिन इनमें से कई उपकरण बाजार में उपलब्ध ही नहीं हो पा रहे थे। आज के दिन हमें जो माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी हैं, उनके द्वारा ये सामग्री भेजी गई है और मेरा पूर्ण रूप से मानना है कि इस वक्त इन सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और इनमें से कई चीज़ें जो हैं, धन का अभाव तो नहीं था पर मार्केट में उपलब्धता भी नहीं थी चीज़ों की, तो इसलिए इन चीज़ों की आवश्यकता और ज़्यादा इस दौरान जो है ये बढ़ जाती है। और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि जो हमें सामान मिलेगा ये कोरोना पेशेंट्स की मदद में जो है बहुत हमें जो है मदद मिलेगी इससे। धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी का, धन्यवाद भी करता हूँ। और इस कोरोना काल में जिस तरह से उनकी तरफ से यह सारा सामान आया है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि यह थ्री प्लाई मास्क 5000 हमारे ज़िला को मिले हैं, ग्लव्स 2000, पीपी किट्स 400 और फेस शील्ड अंडर एनआरबीएम अंडर पल्स ऑक्सीमीटर 50, ऑक्सीजन मास्क 150, N95 मास्क 300, ऑक्सीजन रेगुलेटर 100। यह सारे हमारे बिलासपुर को, जिस तरह से ज़िला को यह आदरणीय अनुराग ठाकुर जी की तरफ से आया है। और इस कोरोना काल में हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी जिस तरह से यहाँ पर काम भी कर रहे हैं और सारे कोरोना के जितना भी पूरे प्रदेश में स्थिति है उस सब के ऊपर नजर। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।